वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और आज हम डिस्कशन जो करने वाले हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम अक्सर बात करते हैं जब एजुकेशन की, तो उसके हवाले से हम कहते हैं कि बच्चों को काउंसलिंग जो है उसकी फैसिलिटी बहुत जगहों पे अवेलेबल है भी और नहीं भी। अब स्टूडेंट काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, इस पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। हम चाहेंगे कि आप लोगों का इनपुट भी साथ शामिल हो, और अगर कोई स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं या कोई ऐसे वालिद हैं जो चाहते हैं कि बच्चों को इस तरह की काउंसलिंग मिले, तो आप हमारे नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं। हमारे पास एक्सपोर्ट होंगे, आप उनसे बात भी कर सकते हैं। मेहमानों का तारुफ करवाती चलूँ, हमारे साथ मौजूद होंगे फायदा फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं बिलाल, और उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगी मारवी खान जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। दोनों को वेलकम करेंगे। वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो बिलाल साहब, हम आपके फाउंडेशन के हवाले से जानना चाहेंगे, बेसिकली फायदा फाउंडेशन है क्या? फायदा फाउंडेशन एक फाउंडेशन है जो अवेयरनेस इन्फॉर्मेशन पे काम कर रही है, जैसे इसके नाम से ही जाहिर है, फाउंडेशन फॉर अवेयरनेस एंड इन्फॉर्मेशन डेवलपमेंट फॉर ऑल। हमने ये बहुत महसूस किया था आज से 10 ईयर्स बैक कि एजुकेशन का एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें करियर काउंसलिंग जिसे कहा जाता है, लेकिन उसके ऊपर वो फोकस नहीं रहा, अनफॉर्चुनेटली, नॉट फ्रॉम पेरेंट्स साइड, नॉट फ्रॉम एजुकेशनल साइड, और सोसाइटी भी उस पर कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रही थी। बहुत बड़ा नंबर स्टूडेंट्स हमारे पास आया करते थे चीज़ों में, दे स्टडीड हार्ड, बहुत कुछ कर रहे थे, उनका पोटेंशियल था, बट जस्ट बिकॉज लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड अवेयरनेस वो अपने टारगेट्स को नहीं अचीव कर पा रहे थे। आई फील कि चीज़ें कुछ ऐसी चल रही हैं कि हमने बच्चों को एक डेस्टिनेशन का बताया नहीं है, उन्हें एक रास्ते पर चला दिए, गाड़ी आपने उनको बहुत हाईफाई ले दी है, उनको गाड़ी सिखा दी है, उनको आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दिए, उसे आपने मोटरवे तक का रास्ता बता दिया, जस्ट ही सेंस नहीं दिया। वो टोल प्लाजा पे पहुंचकर कुछ ऐसा कर रहा है कि वो वहां से कार्ड लेता है, जस्ट एंटर द मोटरवे हाईवे, और वो पूछ रहा है मैंने जाना कहां। ही हैज समथिंग, शी हैज समथिंग, सब कुछ उसके पास, एवरीथिंग है, लेकिन प्रॉब्लम ये उसके पास डायरेक्शन नहीं है, उसने कहां जाना है। उसके पास पोटेंशियल होने के बावजूद, उसके पास स्ट्रगल होने के बावजूद, वो अपना टारगेट अचीव भी नहीं कर पा रहा। और अनफॉर्चुनेटली हम बच्चे को सिर्फ इतना करियर काउंसलिंग से अवेयर कर रहे थे कि करियर काउंसलिंग मीन्स कि आपको आफ्टर एजुकेशन करना क्या है और आपने अपने मेजर्स क्या डिसाइड करने हैं। करियर काउंसलिंग इज समथिंग बियॉन्ड दिस थिंग कि आपको अपनी लाइफ का पूरा लाइफ स्टाइल कैसे डिजाइन करना है, वो पूरा कंप्लीट पैकेज कहीं से भी नहीं बताया जा रहा था। फिर हमने 2004 में इसको स्टार्ट किया, नाउ वी हैव 15 मोटिवेशनल स्पीकर्स करियर काउंसलिंग विद अस, और वो 24/7 ऑन व्हील्स होते हैं। हम अक्रॉस पाकिस्तान एक साल में 365 डेज में मोर देन 300 सेशंस कंडक्ट करते हैं, रिमोट एरिया, स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर। कमोबेश हम लोग ने इस वक्त तक कोई 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को करियर काउंसलिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड की है, और इसे हम और एक्सपेंड करके एक वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं जिसके ऊपर करियर काउंसलिंग के हवाले से सारी अपनी वर्किंग प्रेजेंट करेंगे फॉर द। मेरा ख्याल है ये स्टूडेंट्स के लिए इतना अहम है, इतना अहम है कि आप सिर्फ स्कूल क्या कर रहा है कि वो एजुकेशन प्रोवाइड करके कोर्स कवर कर रहा है, कोई डायरेक्शन देना बड़ा जरूरी है। मारवी, डायरेक्शन नहीं दी जाती बच्चों को। थैंक यू अर्मला इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक रेस करने के लिए। सबसे पहले काउंसलिंग, कल जब मुझे पता चला कि काउंसलिंग पे बोलना है तो मैं इसका ना उर्दू लफ्ज ढूंढ रही थी कि व्हाट एक्चुअली काउंसलिंग मींस। सो मुझे पता चला कल, मुझे पहली दफा बल्कि पता चला, मेरी बिल में इजाफा हुआ कि काउंसलिंग हम मुशावरत को कहते हैं, ठीक है। और करियर काउंसलिंग, काउंसलिंग और स्टूडेंट काउंसलिंग, एजुकेशन काउंसलिंग की एक फील्ड है, एक उसका एरिया है, एक उसका सेक्टर है। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, डायरेक्शन नहीं दी जाती, गाड़ी ले दी जाती है आगे, उसको रास्ता नहीं पता। और करियर काउंसलिंग का ओवर द, और काउंसलिंग के वर्ड को हमने ना बहुत सारे मिथ्स के साथ जोड़ लिया है। मतलब मसला ये है कि हमारी जिंदगी में एज इंडिविजुअल, एज पर्सन, एज एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान होने के नाते, मैं पहले भी बात करती रही हूँ कि ताल्लुक की जो बुनियाद होती है वो हर एक की जरूरत होती है, हर एक की नीड होती है, बेसिक नेसेसिटी है लाइफ की। और लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं, इसको हम टॉकिंग थेरेपी भी कहते हैं। मेरा ख्याल है काउंसलिंग का वर्ड चेंज कर देने से शायद सोसाइटी में कुछ उसकी पेनिट्रेशन ज्यादा हो जाए। काउंसलिंग को सिंपली टॉकिंग थेरेपी भी कहते हैं, जिसमें आप प्रोफेशनल से बात करते हैं। प्रोफेशनल बाय मींस हम, अर्मिला, मैं, आप हर बंदा अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी की काउंसलिंग चाहते ना चाहते कॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल पे कर ही रहा होता है। आपके घर में आप बच्चों की बात करती हैं, कहीं ना कहीं जब वो उनके ऊपर कोई ऐसा टाइम आता होगा, या इनफैक्ट डेली लाइफ में हमारे पेरेंट्स हमारे काउंसलर्स होते हैं, समटाइम्स हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे काउंसलर्स होते हैं, तो हम खुद भी प्ले कर रहे होते हैं। बट जब हम प्रोफेशनल काउंसलिंग की बात करते हैं, दैट मीन्स कि नॉन जजमेंटल हुए बगैर एक थर्ड पर्सन। अब अगर मैं आपको एक भूल भुलैया में छोड़ दूँ, अर्मिला, ठीक है, वो जो आपने देखी होंगी बाहों वाली भूल भुलैया, उसमें अगर मैं आपको छोड़ दूँ तो निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक somebody else जो एरियल व्यू से उसको देख रहा होगा, वो उसको बहुत आराम से रास्ता पता चल जाता है कि ये इसको मैंने कहाँ से निकलना है और क्या करना है, जो आप ऊपर से देख रहा हो। सो जब आप डीअटैच होकर एक थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी चीज को देखते हैं, वो आपको एक बेहतर मशवरा दिया जाता है। अब ये तो काउंसलिंग, और आई गेस कि अगर पाकिस्तान के बहुत सारे जो इस वक्त स्टेटिस्टिक्स हैं जिसमें इमोशनल हेल्थ जो डिस्टर्बेंस है, WHO ने इस साल को उसका इमोशनल हेल्थ का साल करार दिया,
उसमें अगर हम लोग काउंसलिंग को एज हैबिट अपना लें और हम लोग जैसे जगह जगह गली के नुक्कड़ पर डॉक्टर्स की दुकानें हैं, जैसे जगह जगह क्लिनिक्स हैं, उसी तरह अगर काउंसलिंग के जो क्लिनिक्स होते हैं या फिर काउंसलर्स बैठे हुए हों, आई स्वेयर अर्मिला आई बेट कि हालात बहुत बेहतर हो जाए इन टर्म्स ऑफ इमोशनल हेल्थ. अच्छा, कुछ मिथ्स जो हमने क्रिएट की हुई हैं उनमें एक कि बच्चों को काउंसलिंग की, चलो बड़ों को तो डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी होती है, पैनिक अटैक्स होते हैं, इसलिए काउंसलिंग चाहिए होती है. बच्चों को क्यों चाहिए होती है? बच्चों को कौन सी टेंशन होती है, बच्चों को कौन सा डिप्रेशन होता है? देयर कम्स इन स्टूडेंट काउंसलिंग एंड देयर कम्स इन एजुकेशन काउंसलिंग. अच्छा, अब थोड़ा सा इसको अगर स्टूडेंट काउंसलिंग से वास्ट करें ना, तो एजुकेशन काउंसलिंग पहले आता है. एवरीबडी एज आई सेड नीड्स काउंसलिंग. तो टीचर्स काउंसलिंग भी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन काउंसलिंग भी होती है, काउंसलिंग के बहुत सारे चीज बहुत सारे एरियाज होते हैं. स्टूडेंट काउंसलिंग में राइट अवे फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड टिल द टाइम दैट अ पर्सन इज अ स्टूडेंट, इधर इट्स अ यूनिवर्सिटी है, कहीं आगे है, पीएचडी है, डॉक्टरेट करें, काउंसलिंग चाहिए होती है. बिकॉज स्टूडेंट लाइफ मीन्स कि आप अपनी पर्सन के साथ एकेडेमिक ग्रोथ कर रहे होते हैं, और जब आपकी ग्रोथ हो रही होती है उसमें आपको बहुत सारे सेटबैक्स का भी. एक मिथ ये भी है कि काउंसलिंग शायद सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि हमें यानी कि हमने नेगेटिव को कट करना है. काउंसलिंग इसलिए भी होती है क्योंकि हमें बेस्ट पोटेंशियल बाहर लेके आना है. वो भी मिथ एक बहुत बड़ी उसमें हो जाती है. मैं स्ट्रेट अवे पॉलिसी मेकर्स को यहाँ पे स्ट्रेट अवे रिक्वेस्ट करूंगी कि एवरी स्कूल मस्ट हैव अ काउंसलर. काउंसलर ठीक हो गया, चाहे वो छोटे बच्चों का स्कूल हो, चाहे वो बड़े बच्चों का स्कूल हो, उसमें एक एरिया ऑफ कोर्स करियर काउंसलिंग भी शामिल. कॉलर जी बिलाल, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. जी बिलाल, क्या पूछना चाहेंगे? मैम मैं ये सर से पूछना चाहूंगा कि ये काउंसलिंग के हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि बच्चों आजकल जो है वो छोटी उम्र में जो है ना स्कूल वगैरह में बच्चों की इतनी कुछ ज्यादा काउंसलिंग नहीं की जाती, ज्यादा स्टडी पे उनको ज्यादा फोकस किया जाता है, तो जिसकी वजह से वो जैसे डे बाय डे एज बढ़ती जा रही होती है उनकी, तो फिर वो उनके मिजाज में जरा थोड़ा सा तलखी पैदा हो जाती है इस हवाले से थोड़ा. ठीक हो गया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग बिलाल, बहुत शुक्रिया. जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. मैं इसलिए कहता हूँ, इन्होंने बात की ना कि आप स्टूडेंट को कभी उसके साथ काउंसलिंग, इन्होंने कहा एजुकेशन. मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, जैसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम स्टूडेंट को सिर्फ एक स्कोर गेम में डाल रहे हैं. बिल्कुल, आप हमें रिजल्ट शो कर दो और उसके बाद ये चार जगह इनमें से किसी पजल की पिक्चर में कहीं से पीस बन के उसमें फिट हो जाओ. दिस इज द प्रोसेस, आप इसमें से गुजर जाओ. उसके लिए मैंने तुम्हारी फी पे कर दी थी, टीचर ने तुम्हें पढ़ा दिया था, बट दैट्स अ स्कूल ने डिग्री इशू कर दी थी. आप उसे एज अ ह्यूमन बींग क्यों नहीं ले रहे कि इस चीज को, करियर के वर्ड को, जो मैं करियर काउंसलिंग कहता हूँ स्टूडेंट काउंसलिंग के साथ, करियर डजंट मीन जॉब. एमबीबीएस करियर नहीं है, जॉब टाइटल कोई करियर नहीं है. करियर मीन्स योर लाइफस्टाइल जो बिल्डअप होगा सारा, वो कहाँ से शुरू होगा? ये जो कह रहे हैं तलखी पैदा होती है, कैन यू इमेजिन वन ऑफ माई फ्रेंड, मैंने कह रहा बच्चों से डेली पूछते हो जब स्कूल से वापस आते हैं, हाउ वॉज योर डे? यहाँ से उसने स्टार्ट होना है, उसको कर उसका इंटरेस्ट क्या है. आप कहते हैं पेरेंट्स को तो इंटरेस्ट क्या पता होने, ये टोल्ड मी कि यार, मैंने कहा उनको टाइम, कहते मैं सुबह स्कूल खुद छोड़ने जा रहा हूँ, तो जब मैं सुबह निकला तो यार मेरे कहने पर से कहा यार मैं करता हूँ बच्चों के साथ थोड़ा सा गैप फिल करता हूँ, तो कहते यार मेरा एक बेटा और बेटी थी, जब मैं सुबह पहुंचा निकला नीचे उनको गाड़ी में बिठाने, तो मुझे आई डिडंट नो कि बेटी का बैग कौन था और बेटे का कौन सा बैग था. और आप तो ये बात कर रहे हैं बिलाल, मैंने ऐसे लोग भी देखे जिनको ये नहीं पता उनका बच्चा कौन सी क्लास में है. एग्जैक्टली, क्लास में एग्जैक्टली. तो आप उनसे पूछ रहे आपका बच्चा कौन सी क्लास में, उनको नहीं पता, वो उसकी अम्मा एक्चुअली डील करती है, वो डील करते हैं. तो आप कहते हैं तलखी आना क्यों? आप कहते हैं जब घरों में वो गैप फिल नहीं होगा तो ये चीजें फिर प्रॉब्लमेटिक बनेगी. बच्चा टेंशन चाहता है, आप चीज आप उसे इतना ईजी ले रहे हैं. कहते हैं एक इंसान पूरी दुनिया हुआ करता है, वरना कभी ये जुमला ना बोला जाता कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल. अगर वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज थी इंडिविजुअल, क्या हमने उसको एज इतना इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल टेकअप किया है? कभी हमने कभी भी नहीं किया. हमने जिम्मेदारी वहां तक समझी जहां तक हमारी बस एक फी पे करने तक थी, दैट्स इट. मैंने कर दी. हम सीरियस कब होते हैं? आफ्टर इंटरमीडिएट. आफ्टर इंटरमीडिएट में ख्याल आता है अब उसने कुछ कमा कर लेके आना. मैं फिर कहता हूँ कमाना इट्स नॉट द अल्टीमेट थिंग. आप पूरे लाइफ के कंप्लीट पैकेज को कभी उसके साथ शेयर नहीं कर रहे. वो अपनी जॉब से सैटिस्फाई नहीं है, जो वो कर रहा है उससे सैटिस्फाई नहीं है, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी और तरीके से. तो फ्रस्ट्रेशन क्या होती है? 9 बजे लोग आते हैं, वो घड़ियां शुरू करना देखते हैं 5 कब बजेंगे. दिस इज द होल इंटरेस्ट. आप एंजॉय नहीं करते, आप एंजॉय किसी चीज को नहीं करे. क्यों? वो चीज स्टार्टिंग फ्रॉम हाउस कहीं पे मिस है चीजों के अंदर. वो उनकी तलखी, वो चीजें जो ये बात कर रहे हैं, उन्हें आपने एक जब बात दिया हो ना, आप टारगेट कहते हैं जी प्लान को मैंने बच्चे के लिए करना था, आपने को टारगेट देंगे तो वो प्लान करेंगे. जब आप प्लान करेंगे तो वो डेली का स्केड्यूल मेंटेन करेगा, तो उसके पास जब टारगेट होगा तो वो कभी भी बोरियत तलखी चीजों का शिकार कभी भी नहीं हो सकता. बिलाल आपको इंटरप्ट करूंगा, मैं से कॉल लेने जी नजमा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम मैम, ये मुझे बिलाल साहब से बात करनी है. जी जी करें. हाँ जी, ये जो काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, काउंसलिंग आजकल जो है वो इस तरह हो गई है कि प्रॉपर प्रोफेशनल हो गई है हर जगह पे.
ठीक है, बात तो करते हैं कि काउंसलिंग जो है वो बड़ी अच्छी चीज है, काउंसलिंग होनी चाहिए, ये है वो, लेकिन ये है कि उसके साथ साथ आप स्लो लर्नर्स जो बच्चे होते हैं, स्लो लर्नर्स के लिए, बिलाल साहब से क्वेश्चन कर रही हूँ कि स्लो लर्नर्स के लिए आप स्पेशली गाइड कीजिए प्लीज कि किस तरह से ये काउंसलिंग जो है वो फायदा मंद हो सकती है। ठीक हो गया, स्लो लर्नर्स का पूछ रही है। थैंक यू सो मच कॉलिंग नजमा, बहुत शुक्रिया जी। एक चीज तो मैं अंडरस्टैंड करनी है कि हर इंसान, कोई एक इंसान दूसरे इंसान से मैच कभी भी नहीं करेगा। आप अगर ये समझेंगे सारे ही 100% स्कोर ले लेंगे, सारे ही MBBS डॉक्टर्स बन जाएंगे, ये तो कभी पॉसिबल हो नहीं सकता। अगर आप ये चीज अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप स्लो लर्नर्स को कभी भी एट एवरेज स्टूडेंट नहीं लेंगे। हर इंसान का अपना पोटेंशियल है, दैट इज गिवन बाय द गॉड, वो आपको मिल गया है, आपने उसके अंदर रहते हुए किसी चीज को अचीव करना है। पेस अलग होती है, अब स्पेस अलग होती है, सबको एक चीज पे आप रख नहीं सकेंगे। अगर स्लो लर्नर है वो चीजों के अंदर, अब ये स्लो लर्नर हमें पता किन्हें कहते हैं, आई थिंक जो नंबर नहीं ले पाते अनफॉर्चुनेटली कि ये स्लो लर्नर है। आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, आप करंटली देख लें, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनको सोसाइटी ने निगलेक्ट किया। आप उसको किसको लेटर मिला था जिन्होंने कहा था घर जाके चले जाओ, थॉमस एडिसन। आपका बेटा इस एग्जैक्ट एग्जांपल उससे रिलेट करती है, ये नहीं पढ़ सकता आप उसको घर में पढ़ा लें। व्हाट ही डिड, दुनिया ने देखा है कि उसने क्या किया। क्योंकि वो एक ही चश्मा पहनकर उसे देख रहे थे कि जो क्लास में केमिस्ट्री में पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व कर देगा, मैथ्स में कर देगा। हमारे एजुकेशन सिस्टम का ये फॉल्ट है, हम पेरेंट्स को भी ब्लेम करते हैं, हम टीचर्स को भी कहते हैं, अपने सिस्टम को भी हम इस चीज़ मिला। अभी उन्होंने जो क्वेश्चन रेज किया है ना, उन्होंने कहा है कि स्लो लर्नर्स हेल्प आउट काउंसलिंग, उनको हेल्प आउट कैसे कर सकती है काउंसलिंग। क्या बेस्ट, पता है क्या काउंसलिंग क्यों इतनी मुझे अच्छी लगती है या इसका बेस्ट चीज क्या है? इट्स अ टू वे इंटरेक्शन। काउंसलिंग वन वे जजमेंट नहीं है जो आप कोई वकील एक उसके ऊपर थोप देता है। काउंसलिंग वन वे फैसला नहीं है जो माँ बाप या बच्चे स्टूडेंट के ऊपर थोपते हैं। काउंसलिंग टू वे इंटरेक्शन है। एक दफा पूरा बच्चे को समझ के, उसकी बात समझ के, उसकी पर्सनैलिटी टाइप समझ के, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका पेस, उसकी, अभी उन्होंने कहा जी वो स्लो लर्नर है, उसकी कैपेसिटी, उसका पोटेंशियल समझ के उसको कोई एडवाइस प्रोफेशनल देना। और स्लो लर्नर्स ऐसे हेल्प आउट कर सकते हैं कि काउंसलिंग इज सच अ मोटिवेशनल फैक्टर एज वेल। समटाइम्स हमें स्लो लर्नर्स हम इसलिए बन जाते हैं, हमारे मार्क्स इसलिए नहीं आ रहे होते हैं, या कि हमारे इमोशनली कहीं ना कहीं कोई एक गिरा बांध दी जाती है, या हमारा कोई परसेप्शन हमारे बारे में फिट कर दिया जाता है बाय द टीचर्स और बाय द पेरेंट्स एज वेल कि ये तो है ही ऐसा, इसका मैथ्स अच्छा नहीं है, इसका इंग्लिश अच्छा नहीं है, इसका उर्दू अच्छा नहीं है, ये तो ये कर ही नहीं सकता। काउंसलर, वंस द काउंसलर आइडेंटिफाइज द पोटेंशियल ऑफ अ चाइल्ड, वो उसको बूस्ट दे सकता है, मोरल बूस्ट दे सकता है, प्लस उसको बता सकता है छोटे छोटे स्टेप्स के साथ कि आप क्या बेहतर कर सकते हो। Yes, I guess ये नजमा थी। तो काउंसलिंग इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर स्लो लर्नर्स, जिनको मैं स्लो लर्नर्स नहीं कहती बट सेल्फ पेस्ड लर्नर्स कहती हूँ। ठीक हो गया। मेहरुनिसा हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं मेहरुनिसा बात कर रही हूँ कैंट से। अच्छा, मुझे एक्चुअली बिलाल अहमद से बात करनी थी। मुझे उनसे ये पूछना था कि अक्सर क्लास में कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ स्टडीज में वीक होते हैं, तो टीचर्स को इस चीज का आइडिया होता है, तो वो क्यों, मतलब वीक जो बच्चे होते हैं उनपे मैंने देखा है कि ज्यादा फोकस नहीं करते, वो इंटेलिजेंट बच्चे क्लास में आते हैं सवाल पूछेंगे तो वो जो बहुत ब्रिलियंट बच्चा होता है उससे पूछते हैं, तो कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा स्टडीज में स्लो होता है वो कहीं ना कहीं उसका मोरल काफी डाउन होता है। तो इस बारे में मैं पूछना चाह रही थी कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई जाए उनके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मेहरुनिसा, अभी आपका जवाब ले। ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है मेहरुनिसा का, ये वाला कि उन्होंने भी लफ्ज़ बोला है इंटेलिजेंट बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं और दूसरे से नहीं पूछते। आपने इंटेलिजेंट कहा किसको और समझा किसको है? अगर आप सबको ये समझेंगे कि दरख्त पे चढ़ना इंटेलिजेंस है तो फिर वो एलिफेंट तो नहीं कर सकता। अच्छा, ये मेहरुनिसा के क्वेश्चन की बात करें बिलाल, समटाइम्स क्लास में हमारे टीचर्स का एक परसेप्शन है कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ये नहीं है, इसने अगर वो जवाब नहीं दिया किसी चीज का तो ये इंटेलिजेंट निकम्मा है। हमने कभी उसकी वो कोशिश ही नहीं की ना उसको जज करने की। हमने अभी मैंने एक वर्ड बोला था वो करियर काउंसलिंग, क्या हम ले रहे हैं जजमेंट बेस्ड ऑन टीचर असेसमेंट परसेप्शन, आप उसके मुताबिक बच्चे को देख रहे हैं। आप बच्चे, और मैं मजे की बात बताऊं, आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, ये कहां से चीजें खराब होंगी और कहां ये कैसे ठीक होंगी, ये एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं कर सकता। रीजन कि टीचर को पे मिलती है कोर्स कवर करवाने के लिए, राइट? तो वो उसके ऊपर फोकस करें, आप ब्लेम तो नहीं कर सकते उनको चीजों। आप ये शुरू कहां से करेंगे? मैं फिर कह रहा हूं प्लीज इस चैनल के साथ साथ एक चीज जरूर आज हमें समझनी है, उस करियर उस स्टूडेंट काउंसलिंग को एक कंप्लीट लाइफ पैकेज में आप नहीं लेंगे ना तो ये फिर एजुकेशन सिस्टम का सिर्फ कसूर नहीं होगा। ये स्टूडेंट क्यों सारे पॉलिश होकर आगे नहीं आते, पोटेंशियल रियलाइज क्यों नहीं करते, ये शुरू घर से चीज होती है। कैसे? आपने बड़ा कॉमन जुमला सुना होगा, ये नानो दादो बोलती हैं, ज्यादातर बहुओं को सुनने को मिलते हैं। यहाँ से कंपैरिजन स्टार्ट होता है, जो इन्होंने कहा स्लो लर्नर, जो इन्होंने कहा इंटेलिजेंट और एवरेज स्टूडेंट, ये कौन बताता है इनको? ये इनको बताते हैं हमारे घर से मेंबर स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट कहाँ से होता है?
अब नॉर्मली देखे बच्चे खेल रहे होंगे चीजों में तो एक जुमला आता है नानो दादो की तरफ से, हमारे बच्चे तो ऐसे नहीं थे। ओह गॉड, मैं इस जुमले से बहुत तंग हूँ। अच्छा, इस जुमले में मैंने बहुत डिटेल डिस्कशन करनी है। मेरे ख्याल से टाइम हो गया जनाब ब्रेक का। नहीं, ब्रेक अभी रहती है। ये जुमला मैं बल्कि पकड़ लेती हूँ। ये जुमला ना मैंने घर में भी अपने सुना है, ये मैंने अपनी नानी से भी सुना है, ये मैंने अपनी अम्मी से भी सुना है। मेरे बच्चे तो इतना तंग नहीं करते थे, मेरे बच्चे तो आराम से खाना खा लेते। भैया आपके बच्चे और थे, ये बच्चे और हैं। अभी यही बात है इसके, ये तो आपने मुझे छेड़ दिया बिलाल, ये जुमला कह के रोज मेरी इस बात पे घर में लड़ाई हुई। अर्मिला चलो इसको इसको इस तरह से इसको अब आप इसको समझा दीजिए। जब एक बच्चा पैदा होता है उसका जो एक्चुअली हमें ना वी नीड टू डिस्पोजिशन अ चाइल्ड, हमने एक बच्चे को क्या ले लिया है, एडल्ट का छोटा वर्जन, मिनी वर्जन हमने लिया हुआ एक एडल्ट का, और जिसके अंदर वो सारी खूबियां और बस वो साइज में थोड़ा छोटा है और उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी छोटी है। ठीक है, सो अब मसला ये है कि जब एक बच्चा पैदा होता है उसका आईक्यू लेवल पेरेंट से 20-25% ज्यादा होता है। उसके अंदर एक जेनेटिक मेमोरी जिसको आप कहते हैं, एक नस्ल की जनरेशन की ऐड होती है। सो वो जो है ना, हमने हमने शायद बहुत सारी पर्शियन शेख सादी की हिकायत पढ़ी होंगी जिनमें से एक है कॉमन सेंस ऑफ फिलोसफी ऑफ अ सेंचुरी इज अ कॉमन सेंस ऑफ नेक्स्ट। ठीक है, सो द केस इज के बच्चे अब जो नया पैदा होने वाला बच्चा है वो एक नस्ल की मेमोरी भी लेके और एक नस्ल से पास होने वाली सारी चीजें लेकर आगे आता है। तो वो जो बच्चे ऐसे नहीं थे ना। हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, डिस्कशन को यहीं कंटिन्यू करेंगे। आप देखते रहिए जागो लाहौर।